नमस्कार फ्रेंड्स, हमारी वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे हम आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं आपको पहली वीडियो में मैंने आपको 4 कली पेटीकोट सिखाया और आज मैं आपको 6 कली पेटीकोट सिखाऊंगी। अगर आप नए वीडियो हमारी देख रहे हैं पहली बार, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलिए अब अपनी वीडियो आगे, ये देखिए पेटीकोट के लिए हमें ढाई मीटर कपड़ा चाहिए, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया हुआ है। और ये है हमारी ऐसे, बेल्ट उतार लेंगे, कमर बेल्ट। पेटीकोट में सिर्फ दो ही नाप होते हैं, लंबाई और कमर का नाप कि लंबाई कितनी है और आपकी कमर कितनी है। ये हम रखेंगे 2 इंच 2.5 इंच कपड़ा रखेंगे ये हम कमर बेल्ट के लिए। आधा इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा, 2.5 इंच हो गए इसके लिए। जैसे ये कमर है हमारी ऐसे लगेगा, ये इसको हम पहले नाप लेंगे। हमें सबसे पहले उतारिए अपनी, जैसे कि हमारी कमर है 30, तो ये 15 इंच डबल, ये पूरा 30 है, डबल करके हो गया 30 है तो 15 हमें पूरी है। अगर आपकी कमर 40 है या 36 है, जैसे इतनी है, तो आप इसके अंदर इतना ही दोबारा से कपड़ा फिर से यहाँ से हम नापेंगे। यहाँ ऐसे चौक लगाएंगे, एक पट्टी हम और उतार लेंगे और यहाँ पे हम ये ज्वाइंट लगा देंगे ऐसे, और ऐसे फिर ये यहाँ से आप जितनी भी आपको कमर चाहिए होगी उतनी कमर उतना बेल्ट का कपड़ा लेंगे। और अगर हमें फ्रिल लगानी है नीचे, सिंपल ही नीचे फोल्ड करना है, तो आप ऐसे ही कटिंग कर सकते हो। अगर हमें फ्रिल लगानी है नीचे, तो हम ये सवा इंच डेढ़ इंच कपड़ा हम यहाँ साइडों से कंधी की तरफ से दोनों तरफ से उतार लेते हैं। ऐसे निशान लगा हुआ है, इसमें मैंने फ्रिल नहीं लगानी है, सिंपल फोल्ड करना है, इसलिए मैं नहीं उतारूँगी। नहीं तो आप ये 2 मीटर कपड़े में से ऐसे ये पूरी पट्टियाँ उतार लेंगे 1.5 इंच की। अब हमें लेनी है पेटीकोट की लंबाई, जैसे कि 2 इंच हमारी कमर वो बेल्ट हो गई है और 35 इंच मैंने पेटीकोट तैयार रखना है। तो अब मैं यहाँ लूँगी, आधा आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, 34 इंच। इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, इस कपड़े में से 2 पेटीकोट बनेंगे, इसलिए मैं इसका नाप लेके इसको उतार रही हूँ। फिर ऐसे ध्यान से देखिए, ऐसे कपड़ा हमने किया और कपड़े को ऐसे कपड़े को आप अच्छे से प्रेस करेंगे। अब हम 6 इंच इधर से लेंगे, छ इंच हमने ध्यान से देखिए, 6 इंच हमने इधर से ले लिया, ये है हमारी
खुली साइड, इधर से हमारी चार कलियाँ निकलेगी और अंदर की तरफ हमारी बड़े वाली दो कलियाँ रह जाएंगी। 6 इंच हमने इधर से नापा और 6 इंच निशान हम इसके अपोजिट, इससे आसान तरीका आपको कोई नहीं बता सकता, ये इसके अपोजिट भी हमने 6 इंच इधर से लगा लिया और 6 इधर से लगा लिया। फिर हम उस इनको इन दोनों लाइनों को ऐसे आपस में मिला लेंगे। आपके लिए मैं चौक लगा दूँ कि आपको दिख सके, ये देखिए 6 इधर से लिया खुले वाली साइड से और इसके अपोजिट अब इधर 6 इंच इधर बंद वाली साइड से ले लिए इधर से। तो फिर हम दोनों लाइनों को ऐसे आपस में मिला देंगे और उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। ये हमारी कलियां कट गई है, ये हमारी हो गई है। इसको अलग अलग कर देंगे। देखिए ये चौड़े वाला हिस्सा नीचे की तरफ जाएगा और ये हमारी दो कलियां हो गई हैं बड़े वाली और ये चार कलियां हमारी हैं छोटे वाली। ये है 6 कली पेटीकोट। अब मैंने 2 पेटीकोट बता दिए हैं, अब रह गया फिश टाइप पेटीकोट बताना। अब हम सीधे के साथ सीधा और रेब वाले के साथ रेब वाली पट्टी ऐसे, ये देखिए आपको एक एक करके बता देती हूँ। ये देखिए एक पट्टी हमने यहाँ रखी और एक इधर लगा दी, ऐसे अच्छा खासा घेर हो गया हमारे पेटीकोट का। ये देखिए अब ऐसे इन दोनों कलियों को भी ऐसे जोड़ देंगे और फिर दोनों को ऊपर रख के स्टिच हो जाएगा। रेब के इसके रेब के साथ रेब की आ जाएगी और सीधे के साथ सीधी आ जाएगी। अगर ये जैसे कि हमारी कमर 35 है तो ये इसको बाद में भी हम खोल सकते हैं, हमने चौड़ा लिया हुआ है। इसमें हम एक एक प्लेट्स कर देंगे, इसमें एक एक प्लेट दाब देंगे तो हमारी कमर पूरी 30 आ जाएगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।